नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। कोरोना से देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, उसको लेकर के आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हो रही है। 30,000 से संख्या पार है। महाराष्ट्र में मुंबई में 50,000 का संख्या पार है। कहा जा रहा है कि वुहान से ज़्यादा वहाँ प्रभावित है महाराष्ट्र। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में जो 2,65,000 प्रभावित हो गए और मरने वालों की संख्या 7,500 पहुंच चुकी है, उस लिहाज से यदि एनालिसिस करेंगे तो मरने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या ये वास्तविक संख्या है? इसको लेकर के हर कोई चर्चा कर रहा है आपस में, बट अभी तक कोई ऐसी स्टडी की बात नहीं हुई थी जिससे ये पता चले कि क्या ये वास्तविक संख्या है। जी नहीं, ये वास्तविक संख्या नहीं है। और जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही हैं उससे पे यकीन ना यकीन करने का कोई कारण नहीं है। ICMR इस पूरे COVID-19 के फैलाव के दौरान जो आप कह सकते हैं नोडल एजेंसी है या साइंटिफिक एजेंसी है, वो ICMR ही है जो पूरा कोऑर्डिनेट कर रही है। इसने जो है 70 जिलों के 24,000 लोगों का एक सीरोलॉजिकल सर्वे किया और उस सर्वे के सैंपल लिए गए और इसमें जो किट का इस्तेमाल किया गया, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है उसके कवच एलिसा किट का इस्तेमाल किया गया, इसमें ये चेक किया गया कि ये देखा जाए कि लोगों में कितना एंटीबॉडी डेवलप हुआ। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि जो उसकी रिपोर्ट आई है कि 1/3 लोगों को या तो कोरोना हो चुका और उनकी बॉडी ने खुद ही लड़ करके अपने को रिकवर कर लिया, या वो अभी लड़ रहे हैं, ये रिजल्ट आया है उसका। बताते ये हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्रालय जो भी संबंधित मंत्रालय हैं उनसे इस बात को शेयर किया गया है। अभी उसका और डिटेल का इंतजार हो रहा है कि 70 जिले का आ जाए तब जा करके उसको पब्लिक में ले आया जाए या न ले आया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो सर्वे किया जाता है ये ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए होता है। आपने देखा होगा कि जब भी जो है इस बात की चर्चा हुई कि क्या भारत में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसको लेकर के हमेशा जो है नकारा गया, बट सच ये नहीं है। सच ये है कि ए क्लास की जो सिटी है दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद वगैरह, उसमें कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित है। 1,00,000 आप टेस्ट करें या 1,50,000 टेस्ट करें, वास्तविक संख्या सामने नहीं आ रही है। सबसे पहले इस रिपोर्ट को सुन लीजिए। ICMR ने 70 जिलों के 24,000 लोगों पे जो सर्वे किया, सैंपल लिए, उसके एनालिसिस में ये पाया कि कंटेनमेंट एरियाज में 15-30% आबादी को इन्फेक्शन हो चुका है और उनमें से काफ़ी ने या तो रिकवर कर लिया है या रिकवर करने के प्रोसेस में है। ये जब डेटा का एनालिसिस किया गया तो ये भी बात सामने आई कि कई कंटेनमेंट एरियाज में इन्फेक्शन साइज वहाँ मिले केसेज के 100 से 200 गुना ज़्यादा है। इनमें मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और इंदौर जैसे शहर शामिल है, यानी कि जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं असल में कोरोना उससे कहीं ज़्यादा आबादी में फैल चुका है। ICMR की रिपोर्ट कहती है कि Tier 2 और Tier 3 शहरों में वायरस का प्रसार कम हुआ। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये किस तरीके से टेस्ट किया गया, तो ब्लड सैंपल का एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो ये जानकारी देता है कि उस शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हुआ और डेवलप होने से ये पता चल जाता है कि ये बीमारी उसके पास पहुंची थी और बॉडी ने खुद ही उससे लड़ लिया, ये एंटीबॉडीज ने लड़ लिया। इससे शरीर में एंटीबॉडीज का पता चलता है जो बताती है कि आप वायरस के शिकार हुए थे या नहीं। एंटीबॉडी दरअसल वो प्रोटीन्स है जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। सीरो सर्वे के लिए जो किट इस्तेमाल किया गया था वो एलिसा किट्स इस्तेमाल की गई थी। तो इस तरीके से अब ये रिपोर्ट जो है PMO से शेयर की गई है और देखने वाली बात यह है कि क्या इसको लेकर के ICMR बाहर आता है या सिर्फ अपने इंटरनल सर्वे और अपनी जानकारी के लिए रखता है, लेकिन ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है। तो आपने ये रिपोर्ट सुनी, देखा सुना, देखे सुनिए और अपने अनुभव से अंदाज़ा लगाइए कि जिस दिल्ली में हर दूसरे तीसरे घर में कोरोना मरीज होने की बातें अब आने लगी है, किसी भी कॉलोनी में अपने दोस्त मित्र से रिश्तेदार से बात कीजिए, पता चल जाएगा दिल्ली की स्थिति को लेकर के। आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा कि दिल्ली के सरकारी हो या निजी अस्पताल, वहाँ सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। जून के लास्ट तक 15,000 बेड की जरूरत पड़ेगी जबकि अस्पतालों में 10,000 ही बेड है। इसलिए कि उनके पास जो रिपोर्ट मिल रही है वो रिपोर्ट चौंकाने वाली है। कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, संभाले, स्थिति नहीं संभलेगी। ये तो लोगों की एंटीबॉडी
एंटीबॉडी यानी लोगों में इस रोग से लड़ने के लिए जो अंदर एंटीबॉडी डेवलप होता है, ये कह सकते हैं लोगों की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, इस वजह से ये मेंटेन हो जा रहा। अदरवाइज तो इतने पे ही दिल्ली के अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, मुंबई के अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। दिल्ली और मुंबई से खास तौर से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि लोग फर्श पर लेटे हुए हैं और या घर में पड़े हुए हैं, रो रहे हैं और उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है। हालत बहुत बुरी है, बट इस देश को यदि बचाएगा तो भगवान ही बचाएगा और भगवान ही बचा रहा है। हम और आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि एहतियात बरतें। यदि एहतियात बरत ले गए तो कह सकते हैं कि मरने वालों की जो संख्या है वो बहुत कम है, इस वजह से अभी हाय तोबा नहीं मच रहा है। लेकिन जिस दिन ये संख्या बढ़ गई उस दिन हाय तोबा मचने लगेगी। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो बी ग्रेड की सिटी हैं या सी ग्रेड की सिटी हैं या गाँव हैं वहाँ अभी उतना स्प्रेड नहीं हुआ है, और ये जो प्रवासी मजदूर गए हैं इनकी वजह से कुछ पहुँचा है, लेकिन ज्यादा हालत खराब जो है बड़े शहरों की है। जैसे ही संबंध में और कोई रिपोर्ट मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।